एक्चुअली इस कर्मी पे कार्रवाई भी की गई है, अब तो शायद सुपौल ट्रांसफर हो गया है, बिकॉज जब भी हम अपना, इसकी ड्यूटी है कि इसको कोर्ट में जमा करना होता है, ये इतनी आज से करीब मई महीने में जो सिविल सर्जन सहरसा है उनके अंगरक्षक ने ये सूचना दी कि जब वो छुट्टी पे गया हुआ था, उसका घर जब बंद था, तो जो सरकारी पिस्टल 9 mm की है उसको चोरी कर ली गई है। मामला बेहद संवेदनशील था क्योंकि सरकारी पिस्टल के गुम होने की खबर थी और ये किसी के भी गलत हाथ में अगर जाएगा तो उसके परिणाम ज़्यादा बुरे होते। टीम का गठन किया गया और लगातार जो टीम है उस पर काम कर रही थी। इस टीम में को लीड कर रहे थे DSP प्रोबेशनर निशिकांत भारती और अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी इसकी बीच बीच में रिव्यू करते रहे। इसमें सर्कल इंस्पेक्टर राजमणि, टाउन SHO सुधाकर तथा जो हमारी टेक्निकल टीम थी उस पर कार्य कर रही थी। जब हम लोगों को कुछ सूचना मिली कि इस पिस्टल को बेचने की कोशिश की जा रही है तो त्वरित छापामारी की गई और जो सरकारी पिस्टल है उसको बरामद किया गया। उसके साथ एक और देसी पिस्टल, उसके अलावा एक मैगजीन, 2 देसी कट्टा, करीब 7.65 mm की गोलियां और 315 बोर की 5 गोलियां बरामद की गई। गिरफ्तार जो लोग हुए हैं उसमें से मंजेश कुमार यादव, महादेव साह, निशा कुमारी और अशोक साह, और उन्होंने कबूल किया है कि पिस्टल चोरी कर ली गई थी क्योंकि पुलिस लगातार दबिश बनाए हुई थी, इसलिए इसको बेचने में भी कठिनाई हो रही थी और फाइनली जो है इस मामले का उद्भेदन कर लिया गया है। ये सहरसा पुलिस के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।